प्यारे दर्शकों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वारा ITI नगर। आज हम न्यू ब्राइट फ्यूचर प्राइवेट ITI में पहुंचे हैं। हमारे कई विद्यार्थियों के ये क्वेश्चन थे कि सर, प्रैक्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारी जॉब्स वगैरह कैसे बनती है, कितने घंटे का प्रैक्टिकल होता है, कैसे हमें प्रैक्टिकल की कॉपी को मेंटेन करना होता है, क्या क्या उसमें लिखना होता है। तो आज हम न्यू ब्राइट फ्यूचर में आए हुए हैं जहाँ पर बच्चों का प्रैक्टिकल चला हुआ है। आज हमारा फर्स्ट शेड्यूल वाइज आज फर्स्ट प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपके जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्लियर करेंगे और साथ ही आपको न्यू ब्राइट फ्यूचर ITI का अंदर से लोकेशन कैसी है, यहाँ पे लैब कैसी है, प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, सभी मशीनरी उपलब्ध है या नहीं है, वो हम आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं न्यू ब्राइट फ्यूचर के लिए और आपके लिए भी ये बेनिफिट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको ये मालूम हो जाएगा कि हमें प्रैक्टिकल कैसे देने होते हैं, कैसे हमें वाइवा में आंसर देने होते हैं, कैसे हमें उसमें बैठना होता है, ये सब चीज़ आज हम जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं न्यू ब्राइट फ्यूचर के अंदर। Thank you.
कैसा? हाँ सर, वो अभी डाउनलोड नहीं हुआ ना। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके कुछ क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए यहाँ पे न्यू ब्राइट फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड इसमें आईटीआई में आए हुए थे। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने सुना था कि प्राइवेट आईटीआई में ना तो कोई सख्ताई होती है, ऐसे ही प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे अच्छे से सुचारू रूप से प्रैक्टिकल्स की प्रक्रिया चली हुई है। जैसे पहले लिखित होता है, तो वहाँ पे क्लासरूम में फ़िलहाल अभी लिखित चला हुआ है, कॉपी में उनको प्रैक्टिकल लिखने को हो रहा है और उसके बाद में जॉब्स भी बनाने को होगी। और हमने यहाँ पे देखा कि मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं निरीक्षण करने के लिए, और ऐसे नहीं कि आए निरीक्षण किया चले गए, ऑन ड्यूटी यहीं पर रहेंगे जब तक प्रैक्टिकल चले गए। आज नहीं, 5-6 दिन जब तक प्रैक्टिकल चले गए वो आईटीआई में ही रहेगी, ठीक है। आइए हम आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके क्लियर करेंगे मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा और उनकी बातों को सुनेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू ब्राइट के फीचर है प्राइवेट आईटीआई सज्जाक नगर जिंजाना सावली में एज ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में एग्ज़ाम को ऑब्जर्वेशन करने आया हूँ। एग्ज़ाम की देख रेख करने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने मुझे नियुक्त किया है। उसके लिए मैं सुबह 9:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो गया। तो मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ कि यहाँ के जो एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम सुचारू रूप से विधिवत सही टाइम पर शुरू हो गया और जो कि ठीक ठाक से संपन्न हो रहा है। मैंने तीनों कमरे का निरीक्षण किया तो मैं देखा कि बच्चे ठीक ठाक से शांतिपूर्ण ढंग से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जैसा कि पहली बार ये कॉलेज आईटीआई कॉलेज बना है उसके हिसाब से काफ़ी संतोषजनक इसका कार्यकाल है। तो सर, आपको हमारे विद्यार्थियों को बताएं कि आपने कितनी बार निरीक्षण किया आईटीआईज में जाकर? मतलब ये मेरा पहला चांस है यहाँ पे आकर निरीक्षण करने का। सर का आज यहाँ पे पहला चांस है और आप बताएंगे सर कि जैसे हमने सुना है आज तक कि प्राइवेट आईटीआई में ऐसे प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं, केवल फॉर्मेलिटीज होती है, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिला है आपको? नहीं, अभी तक तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला है। जब सुबह से मैं देख रहा हूँ सही ढंग से प्रैक्टिकल हो रहा है, बच्चे अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कोई धांधली की यहाँ नहीं पाई जा रही। मैंने भी यहाँ पे अपने अनुभव में देखा है कि यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की धांधलीबाजी नहीं है, सब सुचारू रूप से चला हुआ है। जैसे अब लिखित परीक्षा चल रही है, उसके बाद में प्रैक्टिकल्स हो गए, जैसे जॉब बोलते हैं यानी अपने हाथों से बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे और उसके बाद में जो एग्जामिनर साहब हैं वो उनका वाइवा भी लेंगे बच्चों का, ठीक है। हम आपको वीडियो में दिखा देंगे बच्चे किस प्रकार अपने लिखित परीक्षा को पूरा कर रहे हैं और हमारे मजिस्ट्रेट साहब उनका निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है।